नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिरोधों के संयोजन का समांतर क्रम विधि। तो आइए देखते हैं प्रतिरोधों के संयोजन का समांतर क्रम विधि होता क्या है। प्रतिरोधों के संयोजन का समांतर क्रम विधि, फर्स्ट हम इसका फिगर ड्रा करेंगे। और इसमें एक बैटरी ऐड कर देंगे। उसके बाद एक कुंजी भी कंबाइन कर देंगे। जिसका नाम हम सब के रख देते हैं। और ये आपका बैटरी हो जाएगा। बैटरी हो जाएगा। ये बैटरी का ऋण सिरा होगा, ये बैटरी का धन सिरा होगा। और फर्स्ट जो प्रतिरोध है इसको हम सब कंसीडर करते हैं, R1 है, सेकंड R2 है एंड थर्ड इज द R3। दोस्तों मैंने बताया था बैटरी में धारा का प्रवाह हर वक्त ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होता है। धारा का डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर धारा जब पहुंचेगी, इस पॉइंट पर जब धारा पहुंचेगी, धारा आई तो इस पॉइंट पर धारा का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। धारा का जब बंटवारा हो जाएगा तो धारा तीन डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो पहला डायरेक्शन ये हो जाएगा और सेकंड ये हो जाएगा और थर्ड ये हो जाएगा। फर्स्ट डायरेक्शन जो धारा का फ्लो हो रहा है उसको कंसीडर करते हैं, आई वन है और ये आई टू है और ये आई थ्री है। और दोस्तों इसमें केवल दो ही सिरा है, सिरा ए सिरा बी। इस वजह से जो यहां पर नेट विभव होगा वो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो यहां पर विभव जो होगा, नेट विभव V हो जाएगा। दोस्तों एक पॉइंट नोटिस करिएगा, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का बंटवारा नहीं होता है जबकि विभव का बंटवारा हो जाता है। और प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में विभव का बंटवारा नहीं होता है लेकिन धारा का बंटवारा हो जाता है। ये बात नोटिस करिएगा आप सब। आइए अब इस पर हम ओम का नियम अप्लाई करते हैं। तो ओम के नियम से मैंने बताया था ओम का नियम क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानते हैं आई इक्वल टू होता है V अपॉन R होता है। इसी प्रकार I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 हो जाएगा। I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R2 हो जाएगा। I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R3 हो जाएगा। इसके पूरे को हम समीकरण एक कंसीडर कर देते हैं। अब नेट धारा क्या होगा, अब देखिए ये धारा आपका यहां आई बहता हुआ जा रहा है और यहां से तीन डायरेक्शन, इस पॉइंट पर तीन डायरेक्शन में धारा का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। फिर सभी धाराएं इस पॉइंट पर आके मिल जाती हैं। अर्थात आपका जो टोटल धारा होगा यहां पर आई होगा तीनों धाराओं के योग के बराबर होगा। अर्थात जो तीनों डायरेक्शन धारा का फ्लो हो रहा है उनके योग के बराबर होगा। तब नेट धारा आई इक्वल टू हो जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई
3 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 कंसीडर करते हैं। अब यहां समीकरण 1 से I1, I2 और I3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो जाएगा I का मान कितना है, V अपान R है, तो यहां पे रख देंगे V अपान R। I1 का मान कितना है, V अपान R1 है, तो हो जाएगा V अपान R1 प्लस I2 का मान है V अपान R2 है प्लस I3 का मान है V अपान R3। राइट साइड में हम सबको V कॉमन दिख रहा है, तो V कॉमन करेंगे यहां से, तो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V दोनों साइड है, सो दैट V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। विच इज रिक्वायर्ड वैल्यू, हमें ये प्रूव करना था। थैंक यू दोस्तों।